नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल खत्री डेयरी फार्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये डॉक्टर सुभाष सरगे फार्म से है, जिनका एड्रेस है वो गांव लिखमेवाड़ा, तहसील रायसिंह नगर, डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर, स्टेट राजस्थान। आज की वीडियो में तीन गाय ये बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, जिनमें कि दो HF नस्ल की है और एक जर्सी क्रॉस ब्रीड नस्ल की गाय है। जो पहले नंबर पर गाय आप देख रहे हैं ये तीसरे ब्यात में भी आई है और इनके घर की गाय है। इनमें से दो गाय इनके घर की है खुद, जो ये गाय भी आप देख रहे हैं, साथ में इसके बछड़ी है। आज जो है लगभग दो दिन की ब्याई हुई हो चुकी है। नीचे से जो ऑर्डर क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं, टाइट जैसी लाडर है और टैंक साइज ऑर्डर क्वालिटी आप कह सकते हैं। चारों थन दूर दूर है, मुठिया थन है, HF नस्ल की गाय है, प्योर HF नस्ल। दूध मौके पर अभी 19 से 20 लीटर तैयार है। दूध क्षमता इसकी 23 से 24 लीटर तक रहेगी और जो कीमत है वो 5 राज्यों में फ्री ट्रांसपोर्टेशन के साथ इन्होंने इसकी 65,000 रुपये रखी है, 65,000 रुपीज़ इसकी कीमत है। अच्छी हाइट लेंथ की तंदुरुस्त गाय है, ताजी ब्याई है। तीनों गाय आपको ताजी ब्याई देखने को मिलेगी। जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने फ्री करवाया है वो राज्य राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन 5 राज्यों में किसी प्रकार का कोई किराया आपको नहीं देना है। जो भी पशुपालक भाई लेना चाहते हैं इनके फार्म पर विजिट कर सकते हैं, 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करके देख सकते हैं। रहने खाने की सुविधा इनके फार्म पर आपको मिल जाएगी। आप अच्छे तरीके से जांच परख करके इन गायों को यहाँ से खरीद सकते हैं। इन गायों से अलग और भी एक गाय वैसे अपने फार्म पर रखते हैं और लगभग जो है आपको इनके फार्म पर अच्छी क्वालिटी गाय वैसे ही देखने को मिलेगी। जो गाय है वो आप देख सकते हैं, कीमत 65,000 है। ब्रीड जो देखेंगे वो HF में है। दूध मौके पर 19 से 20 लीटर तैयार है, 2 दिन के लगभग ब्याई हुई हो चुकी है। दूध क्षमता 23 से 24 लीटर तक रहेगी, साथ में बछड़ी है। अच्छी हाइट लेंथ की तंदुरुस्त गाय है, तीसरे ब्यात की HF नस्ल में, और चला करके भी इसको दिखाया जा रहा है। बाकी जो भी पशुपालक भाई लेते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनके फार्म पर विजिट करके 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करके यहाँ से इन गायों को आप खरीद सकते हैं। आप जो दूसरे नंबर पर गाय आप देखेंगे ये भी प्योर HF नस्ल की गाय है और ये कल ब्याई है, साथ में इसके भी बछड़ी है, फीमेल काफ को इसने जन्म दिया है। इनके घर की गाय है दोनों, जो पहले और दूसरे नंबर पर आपने गाय देखी इनके घर की गाय है। इसमें भी अटर क्वालिटी आप देखेंगे, पैरों के अंदर बाहर की लेआउट है, टाइट जैसी लाडर है। दूध क्षमता इस गाय की 20 से 22 लीटर तक रहेगी। दूसरे ब्यात में ब्याई है, पहले ब्यात में 18 लीटर तक दूध इसने दिया हुआ है। प्योर HF नस्ल की गाय है, ताजी ब्याई है, साथ में बछड़ी है। तीनों गाय जो आप देखेंगे सब इन तीनों के साथ में जो है बछड़िया है, फीमेल काफ है। और जो नीचे से ऑर्डर की जो क्वालिटी है वो आप देख ही सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ताजी ब्याई गाय है। दूध क्षमता 20 से 22 लीटर तक रहेगी, 20 प्लस, और जो कीमत है वो 65,000 रुपये इन्होंने इसकी रखी है। 5 राज्यों में फ्री ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये कीमत बताई जा रही है। तो जो भी पशुपालक भाई लेना चाहते हैं इनके फार्म पर विजिट कर सकते हैं, 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करके देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से इन गायों को आप खरीद सकते हैं। रहने खाने की सुविधा इनके फार्म पर आपको मिल जाएगी। हर समय 10-15 गाय वैसे इनके फार्म पर रहती है बिक्री के लिए। जिनका एड्रेस है वो गांव लिखमेवाड़ा, तहसील रायसिंह नगर है, डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर, स्टेट राजस्थान। गंगानगर से लगभग जो है 60-70 किलोमीटर के करीब इनका ये डेयरी फार्म है गांव लिखमेवाड़ा में। डॉक्टर सुभाष सर के फार्म से आज की वीडियो है। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर, वो आपको वीडियो में मिल जाएंगे, जिन पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू या डायरेक्ट कॉल करके आप इनसे बात कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी इन गायों के बारे में आप इनसे ले सकते हैं। चला करके भी पहले और दूसरे नंबर की गाय है जो दिखा दिया है, अगर किसी भाई को और भी कोई डाउट है तो वीडियो कॉल करके देख सकते हैं, उसके बाद इनके फार्म पर जा करके मिल्किंग करके देख सकते हैं और अच्छे तरीके से जांच परख करने के बाद आप इन गायों को यहाँ से खरीद सकते हैं। अब जो आप तीसरे नंबर पर गाय देखेंगे वो जर्सी क्रॉस ब्रीड नस्ल की गाय आप देखेंगे वीडियो के माध्यम से, ये आप देख सकते हैं जर्सी क्रॉस ब्रीड नस्ल की गाय है। जो गुण है इसमें जर्सी के भी और साहेवाल के भी, तो दोगली गाय है। नीचे नाप भी थोड़ी देखने को मिलेगी और जो ऑर्डर क्वालिटी है वो टाइट जैसी लाडर है। आज सुबह ही इसने बच्चे को जन्म दिया है, 23 जून है आज 2022। दूध क्षमता इस गाय की 15 से 16 लीटर तक रहेगी, जो उन्होंने बताया है किसान के घर से इन्होंने खरीदी है। जो पहले दो गाय आपने देखी वो इनके घर की गाय है, साथ में इस गाय के बछड़ा है। जो पहले नंबर पर आपने गाय देखी उसकी कीमत 65,000 है, दूसरे नंबर पर जो गाय देखी उसकी कीमत भी 65,000 है।
और इस गाय की कीमत 35,000 रुपये उन्होंने रखी है, 35,000 रुपीज़ इसकी कीमत है विद ट्रांसपोर्टेशन। दूसरे ब्याज की जर्सी और साहेवाल में क्रॉस ब्रीड दोगली गाय है, साथ में बछड़ा है। साहेवाल नस्ल में बछड़ा सीमन काफ़ी अच्छा यूज किया गया है। गाय के ऊपर आप देखेंगे हम्प नहीं है, एवरेज साइज का भी हम्प नहीं है, लेकिन जो बछड़ा है उसमें आज ही भी आई फिर भी आपको अच्छी क्वालिटी का हम्प जो है देखने को मिलेगा। तो सीमन जो है काफ़ी अच्छा यूज किया गया है। अगर इस गाय को अगर आप आगे अगर कोई पशुपालक खरीदना चाहते हैं आगे अगर यूज करते हैं इस पर अच्छा साहेवाल का सीमन और अगर बछड़ी आती तो वो भी जो है काफ़ी अच्छी बछड़ी आप तैयार कर सकते हैं इस तरह की गायों से भी। कीमत 35,000 है, नीचे से जो ऑर्डर क्वालिटी है वीडियो के माध्यम से दिखाई गई है। बाकी अगर आप खरीदते हैं तो इनके फार्म पर जा करके 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करके उसके बाद आप यहां से गाय वैसे खरीद सकते हैं। बाकी शांत शरीफ गाय देख सकते हैं, लेवटी पर हाथ फिरा करके भी दिखाया जा रहा है। गाय लगभग जो है कई भाइयों का मानना है कि गाय जो है राठी साहेवाल गाय गर्म होती है, लेकिन अगर परवरिश अच्छी ढंग से की गई हो चाहे वो राठी हो साहेवाल थारपारकर हरियाणा देसी ब्रीड से ज़्यादा गर्म किसी को जो है नहीं माना जाता है कि हरियाणा जो देसी नस्ल की गाय है वो सबसे ज़्यादा जो है चंचल शरारती या पैर उठाने में गर्म ज़्यादा होती है। लेकिन अगर परवरिश अच्छी की गई हो शुरू से ही तो कोई भी नस्ल हो वो आपको कभी भी जो है उसमें जो है गर्म स्वभाव उसका नहीं देखने को मिलेगा। लगभग सभी गाय अच्छे स्वभाव की ठंडे स्वभाव की देखने को मिलेगी अगर आप अच्छी परवरिश करते हैं तो। अगर आप बछड़ी पालते हैं और शुरू से ही उस पर हाथ नहीं फिराते या इतना लाड़ दुलार उस गाय का बछड़ी का नहीं आप करते हैं तो वो गर्म होनी ही होनी है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा गर्म और चंचल स्वभाव उसका होना ही होना है। अगर आप शुरू से ही परवरिश अच्छी करते हैं तो गाय अच्छी ही निकलेगी आगे जा करके, गाय हो या भैंस हो उसमें